आइए, आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए एक मफलर लेकर आई हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत है और एक कोई भी इसे बना ले, ठीक है। और इसके लिए जो हमें सिलाई चाहिए होगी, एक मोटी सिलाई चाहिए होगी और एक हमें पतली सिलाई चाहिए होगी। दो सिलाई का इस्तेमाल करते हुए हम एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा से एक स्कार्फ बना के रेडी कर सकते हैं। आपको एक जो है यहाँ पे है 12 नंबर की एक पतली वाली सिलाई लेनी है और एक आपको 6 नंबर की सिलाई लेनी है, 6 ले या फिर 8 ले, ठीक है, लेकिन मोटी वाली आपको सिलाई लेनी है। और इसका सिलाई देख सकते हैं, दो साइड से दो अलग अलग तरह का इसमें सिलाई बनता है। बहुत ही यूनिक है, इतना सॉफ्ट है, एकदम स्ट्रेचेबल और बहुत ही मुलायम, ठीक है। तो देख सकते हैं एक साइड से इसकी बुनाई कुछ इस तरह से दिखती है, देखिए बहुत ही प्यारी इसकी बुनाई दिखती है, ठीक है। इधर से इस तरह से बुनाई है। अब इसकी उल्टी साइड देखिए, उल्टी साइड कुछ इस तरह से इसकी बुनाई है। बस साधारण सी सिलाई है, एक उल्टा एक सीधा का ही है, लेकिन इसमें कमाल यह है कि इसमें आपको ये दो जो सिलाई है इसे आपको इस्तेमाल करना है, एक मोटी और एक पतली। तो चलिए इसे बना के दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे बनेगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आप लोग। और इसे आपको जो है, ये मैंने 10 इंच तक बनाया हुआ है, ठीक है, 10 इंच तक बनाया हुआ है। आप इसे 40 से 48 इंच इसे बना लें, चाहे तो आप इसे इन्फिनिटी जो स्कार्फ कहते हैं वो बना लें आप इसे, यानी कि दोनों साइड से बनाने के बाद आप इसमें साइड में सिलाई कर दे दोनों साइड से, और इसे गले में दो बार लपेटते हुए इसे पहना जाता है उसे उस तरह का स्कार्फ, ठीक है। या तो फिर आप खुला भी इसे रख सकती है जैसे नॉर्मल स्कार्फ रहती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितना स्ट्रेचेबल है, यहाँ पे ले लूंगी मैं एक सिलाई, ठीक है, एक मोटी वाली 6 नंबर की सिलाई है यहाँ पे और एक 12 नंबर की सिलाई। अब यहाँ पे इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लूँ, यहाँ पे मैंने 32 फंदे डाले हुए हैं, ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए ताकि इस तरह से आप बना सके। तो यहाँ पे आप फंदे डालेंगे 40 से 48 फंदे डालेंगे, ज्यादा आपको चाहिए तो, ठीक है, क्योंकि ये फैलने के बाद इतने आ जाती है, ठीक है, इसलिए आप 40 से 48 के बीच में डालें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फंदा ले लेंगे, मोटे वाले जो सिलाई है इसमें हमें फंदा डालना है, ठीक है, इस तरह से लिया हमने और यहाँ पे फंदा डालेंगे। जैसे हम फंदा डालते हैं या जो आपको सुविधा लगे उस तरह से आप इसमें फंदा डाल लें, ठीक है। तो तीन हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 12 फंदों में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, हो गया। अब आ जाते हैं उल्टे साइड, अब एक ये सिलाई ले लेते हैं पतली वाली, पहला फंदा उल्टा साइड है तो हम उल्टे साइड पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और इसे सीधा बुनेंगे, लेकिन जो ये वाला इस तरह से सीधा नहीं बुनेंगे, जो बाहर की साइड हमारा फंदा है इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इसे हम सीधा बना लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, बैक साइड से हम सीधा बनाएंगे इस तरह से, ज्यादा टाइट नहीं बुनना है इसे हमें, एक उल्टा एक बैक साइड से सीधा, यानी पिछला वाला जो धागा है उसे लेते हुए हमें सीधा बनाना है। फिर इधर आ जाएंगे, उल्टा बनाएंगे, धागा उस और ले जाएंगे, ये जो धागा इस तरह से सिलाई को डालना है हमें, ठीक है, इधर से हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, यहाँ पे हमें उल्टा बनाना है, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, इसे उल्टा, धागा उस ओर, इस वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस साइड, पलट लेते हैं, ठीक है, पहला फंदा उतार ले या बुन ले ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो पहला फंदा उतार लीजिए, अब मोटे वाले स्लाइसेस की बुनाई होगी, इस तरह से उतारा हमने, धागे को उस और करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल आप 4 ply 3 ply किसी भी ऊन से बना सकती हैं, ठीक है, कोई भी ब्रांड वाली ऊन से इसे बना सकती हैं। इस तरह से लिए हमने, सीधा बना लिया, पीछे भाग वाले लेंगे इस तरह से, ठीक है, धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा,
धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा उस ओर, एक फंदा सीधा। देखेंगे दो चार सिलाई के बाद ये हमारी डिजाइन उभर के आने लगेगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। एक बार जरूर ट्राई करें इस तरह से, इसका इतनी मुलायम बनती है कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही स्ट्रेचेबल है। इस तरह से ले, इस तरह से इसका आप एक मैंने और भी बताया लेकिन वो दूसरे डिजाइन से बनी हुई है, ठीक है। देखिए हो गया ना, देख सकते इधर से ये दिखने लगी, देखिए है ना। अब जैसे फिर से हम करेंगे, पहला फंदा उतार लिया और धागा पीछे अकेयर कर देंगे और फिर से हम इसे यही रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा और धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा और ये सीधा, ठीक है। इसमें जो ऊन लगने वाली है आपको, ये 100 ग्राम के आसपास में ऊन लग जाएगी, ठीक है आपको। देखिए इस तरह से बन गया, फिर से हम इधर आ जाएंगे, फिर से यही रिपीट करेंगे, बार बार आपको यही रिपीट करते हुए जाना है। पहला फंदा को उतार लेंगे, जो उल्टा है उसे हमें उतार लेना, ठीक है। धागा उस और कर लेंगे, फिर से हम सीधा बनाएंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इसे हमें सीधा बनाना है, अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में घंटी आएगी उसे भी दबा लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हर दिन कुछ नया वीडियो देखने के लिए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप लोग, ठीक है। अच्छी अच्छी आगे वीडियो आती रहेगी। इस तरह से करते लाइन हमारी कम्प्लीट हुई। इधर देखिए प्लेन आपको दिखेगी, नॉर्मल सी सिलाई, ये वाली इस साइड वाली, ठीक है, ऐसे दिखेगी। और इधर जो बड़ा बड़ा जो गैप दिख रहा है आपको, ये आपको इधर दिखेगा, दिखने लगा इधर है ना, देखिए दिखने लगी है। इसी तरह से करते हुए जाना है, फिर लास्ट में आपको देखिए समझ में आ गया, बस इसी तरह से करना है। लेकिन ध्यान रहे कि एक बहुत ही बारीक वाली आपको सिलाई चाहिए और एक जितनी मोटी हो सके उतना आपको एक मोटा सा सिलाई ले लेना है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ करने के बाद यहाँ पे सारे फंदों को हम यहाँ पे बंद करेंगे, इस तरह से दो का एक करते हुए, जब आपकी लाइन कम्प्लीट हो जाए इस तरह से दो का एक करेंगे और फंदों को बंद करेंगे। ज्यादा टाइट हाथों से नहीं बंद करेंगे, ठीक है, इस तरह से लेंगे, हल्के से लूज हाथों से बंद करेंगे, ऐसे लिया, फिर दो का एक करते हुए फंदों को बंद किया, चलिए इस तरह से करते हैं। सारे फंदों को पहले बंद कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने फंदे को बंद कर लिए, चाहे तो आप दोनों साइड में पतली वाली जो सिलाई है उसे लगाते हुए भी आप इसे फंदे को बंद कर सकती हैं, ठीक है। अब इधर से देखिए, यहाँ पे हम इस साइड से इधर सीधा इस भाग को हम सीधा रखेंगे, ठीक है, पतली वाली को हम उल्टे साइड रखेंगे, चाहे तो आप दोनों साइड इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पे 10 इंच लंबी हमने ये धागे को काट लिया और इसे हमने डबल कर लिया, यानी दो धागे हमने इस तरह से हमने उसे मोड़ लिए, तो दो धागे हमने मोड़े तो यहाँ पे चार हमारे बन गए, ठीक है। तो चार बन जाने के बाद क्रोशे की मदद से हम यहाँ पे लेंगे और इस पहले वाली गैप में इस तरह से डालेंगे और इसे खींचते हुए आएंगे और इसे इसके अंदर से निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया। फिर लेंगे हम दो, फिर कुछ दूरी पे हम यहाँ पे डालेंगे, पास पास में नहीं, हल्के हल्के दूरी पे डालेंगे, ऐसे खींचते हुए लाएंगे, जैसे मोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए इस तरह से करते हुए मैं लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी प्यारी सी खूबसूरत से इसका बन के रेडी हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, थैंक यू।